कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम का कम्बिनेशन शानदार है। तफसीलात के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान टीम में मैच विनिंग खिलाड़ी भी हैं जो अकेले भी जितवा सकते हैं। साबिक कप्तान का कहना है कि क्रिकेट में ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी टीम कहां तक आगे जाएगी। पाकिस्तान टीम में इतना पोटेंशियल है कि फाइनल तक रसाई हासिल करेगी। फाइनल में हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन हमें पाकिस्तान टीम से उम्मीद है कि फाइनल भी जीतेगी। WBC वर्ल्ड चैंपियन कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने भी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से जीत की उम्मीदें लगा ली हैं। तफसीलात के मुताबिक WBC के वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम भी पाक भारत क्रिकेट मैच के हवाले से पुरजोश हैं। उन्होंने नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि कौमी शाहीन टाइटल भी जीतेंगे। टी20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को पाक भारत मैच के हवाले से बात करते हुए इनका कहना था कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआगो हूं और पाकिस्तानी टीम से टी20 वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद है। वाज़ह रहे कि पाकिस्तानी टीम अपना बाकायदा वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगी, जबकि वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान टीम को एक में फतह और एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर डेविड विली ने मैचेस में सख्त गर्मी और हब्स के बायस ओस पड़ने से बॉल की ग्रिप में दुश्वारी का हल तलाश कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस के दौरान ड्यू फैक्टर ने अहम किरदार अदा किया है। यही ड्यू फैक्टर वर्ल्ड कप के मैचेस पर असर अंदाज हो सकता है। डेविड विली का कहना है कि हम सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस के दौरान गेंद को पानी से भरी बाल्टी में डालकर प्रैक्टिस की जाए। डेविड विली ने कहा है कि हो सकता है कि ये तजुर्बा ठीक ना हो, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ड्यू फैक्टर बहुत अहम होगा। उन्होंने कहा है कि जितनी ओस पड़ रही है, बॉलर्स खास तौर पर स्पिनर्स के लिए गेंद ग्रिप करना मुश्किल है, इसलिए इसका कोई हल निकालना होगा। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटों का शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक शकीबुल हसन ने ओमान के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस से अपनी टीम को सुपर 12 राउंड में पहुंचाया और इस दौरान उन्होंने 4 विकेटें ली। इस तरह मुख्तसर फॉर्मेट के मेगा इवेंट में इनकी विकेटों की तादाद अफरीदी के बराबर 39 हो गई है। वाज़ह रहे कि उन्होंने 28 मैचेस में ये शिकार किए, जबकि पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर के 34 मैचेस में 39 विकेटें हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया के तेज बॉलर जेम्स पैटिनसन ने बैनुल अक्वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक क्रिकेट की मारूफ तरीन वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक जेम्स पैटिनसन अब एशेज टीम का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 21 टेस्ट मैचेस में 81 विकेटें, 15 वनडे मैचेस में 16 विकेटें और 4 टी20 मैचेस में 3 विकेटें हासिल की थी। वाज़ह रहे कि जेम्स का कैरियर इंजरीज की वजह से मुश्किलात का शिकार रहा है, जबकि इनका शुमार ऑस्ट्रेलिया के तेज तरीन बॉलर्स में होता है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा है कि टी20 मुख्तलिफ किस्म की क्रिकेट है। तफसीलात के मुताबिक अपने एक इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान पर इसलिए थोड़ी सी बर्तरी हासिल होगी कि वो हाल ही में दुबई में IPL खेल चुके हैं। वो इस वक्त पिच कंडीशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। मोहम्मद आमिर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 60-40% होगा। भारत को 60 इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने अभी भी दुबई में IPL खेला है और कंडीशंस को इस वक्त इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मोहम्मद आमिर का कहना था कि पाक भारत मैच होता ही प्रेशर वाला है, जो प्रेशर में सही तरीके से खेलेगा वो मैच जीतेगा। बाबर इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है। बैटिंग के मामले में इस वक्त पाकिस्तान भारत से बेहतर जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ICC क्रिकेट अकेडमी ओवल 2 में गुज़िश्ता रोज भी ट्रेनिंग सेशन हुआ है। तफसीलात के मुताबिक गर्म मौसम के बावजूद कौमी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर मशकें की, जबकि कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे तक जारी रहा था। कौमी टीम के खिलाड़ी आज हफ्ते की शाम में ट्रेनिंग करेंगे, जबकि ट्रेनिंग सेशन से कबल कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के 7वें एडिशन में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 24 अक्टूबर को खेलेगा। पाकिस्तानी शायकीन को नतीजा माजी के एदाद शुमार और तारीख के बरअक्स आने की उम्मीद पैदा हो गई है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर टी20 मैचेस की तारीख पर नजर डाली जाए तो दोनों टीमें अब तक 8 मरतबा आमने सामने आई, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ एक बार फाते रहा। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ टी20 मैचेस में वाहिद फतह बंगलोर के मुकाम पर दिसंबर 2012 में मिली थी, जब इसने भारत को 5 विकेट से जेर किया था। टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में रवायती हरीफ 5 मरतबा आमने सामने आए, जहां दोनों के दरमियान पहला मार्का 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में था। दोनों टीमों ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 141 रन बनाए, जिसके बाद टाई ब्रेकर के लिए बॉल आउट का सहारा लिया गया। टी20 क्रिकेट की आलमी जंग का दूसरा मरहला कल हफ्ते से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। तफसीलात के मुताबिक सुपर 12 मरहले के पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में ग्रुप 1 में शामिल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के माबेन मैच अबू धाबी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच भी ग्रुप 1 में शामिल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के माबेन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच ग्रुप 2 में शामिल पाकिस्तान और भारत के माबेन इतवार को शाम 7 बजे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। क्वालिफाइंग राउंड में श्रीलंका, बांग्लादेश, नामीबिया और स्कॉटलैंड की टीमों ने सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में शिकस्त के बाद खिलाड़ियों और मैनेजमेंट की अहम बैठक हुई है। तफसीलात के मुताबिक इस बैठक में खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के दरमियान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ताहम खिलाड़ियों को बोर्ड की जानिब से 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की वीडियो दिखाई गई, जिसमें भारत के खिलाफ जीत के हवाले से फातह टीम के अराकीन के मुख्तसर इंटरव्यू दिखाए गए। जराए के मुताबिक ये मुलाकात खुशगवार माहौल
कंट्रोल में हुई और खिलाड़ियों ने इन्हमाक के साथ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की वीडियो देखी। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों से दुबई इजलास में भारत से मैच के हवाले से गुफ्तगु हुई और इस दौरान खिलाड़ियों को पाक भारत मैच पर चैंपियंस ट्रॉफी की मिसाल दी गई। बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।